Dear students, welcome on my YouTube channel Scholars Academy Maths by Sanjay Sir. आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए एक सीरीज चालू करने जा रहे हैं मैथ्स की, मॉक टेस्ट की. जो बच्चे UPP का एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण सीरीज़ है. ये बिल्कुल फ्री है, इसको आप जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता आप दे सकते हैं. इस सीरीज़ में सबसे बड़ा फ़ायदा आपको है सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस क्वेश्चंस का हम डिस्कशन करेंगे. इससे आपका स्कोर इम्प्रूव हो जाएगा और जिन बच्चों की मैथमेटिक्स थोड़ा वीक है उनको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे. लगभग इन्हीं क्वेश्चन से आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे. तो चलिए हम मॉक टेस्ट को शुरू करते हैं. सबसे पहले हमारा मॉक टेस्ट एक वीडियो के फॉर्म में आएगा, वीडियो प्ले होगी. वीडियो के फॉर्म में मॉक टेस्ट को आप स्टॉप कर सकते हैं स्टॉप बटन के साथ और मॉक टेस्ट दीजिए. मॉक टेस्ट को चेक करने के लिए आप उसके बाद प्ले कर लीजिए, तुरंत हम उसका सॉल्यूशन भी देंगे. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट. ऑल द बेस्ट. ये हमारा वीडियो के फॉर्म में मॉक टेस्ट है, आप वीडियो को रोक के टेस्ट दे सकते हैं. पूरे 10 क्वेश्चन हैं. इसमें 6 से 10 तक क्वेश्चन है. इधर तो यहाँ तक हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं. सारे क्वेश्चंस को आप हमारे सॉल्यूशन के साथ मिला सकते हैं और कमेंट में बताएं कि 10 में से आपके कितने मार्क्स आए हैं. एक दुकानदार 10 रुपये में 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदकर उन्हें 11 रुपये में 10 की दर से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए. लाभ परसेंट निकालना है. CP वो खरीदता है 10 रुपये में 11 वस्तुएं और बेचता है 11 रुपये में 10 वस्तुएं, ठीक है. तो इसको क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो वस्तुओं को बराबर कर लें या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें. तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा. 10 और 10 का मल्टीप्लाई आप CP की तरफ मल्टीप्लाई करें, रुपीज़ की तरफ, ठीक है. 10 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे CP कितना हो जाएगा, 100 आ जाएगा. 11 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, SP 121 आ जाएगा. अब आप देख रहे हैं यहाँ 100 पर कितना ज़्यादा है, 21 ज़्यादा है. और 100 पर जितना ज़्यादा होता है वही क्या होता है, परसेंट होता है. तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 21% का. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. किसी वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाती है तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा.
हमें फाइंड करना है क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा अगर त्रिज्या में कितना बढ़ा देते हैं 100%। तो इसके लिए फार्मूला है प्रतिशत वृद्धि क्षेत्रफल में कितनी हो जाएगी, इसका फार्मूला है 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100। इस फार्मूले को अप्लाई कर लीजिए, 2 इंटू एक्स की वैल्यू है 100% प्लस 100 × 100 बटे 100। ये 100 आप काट सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 200 प्लस 100 इक्वल टू 300%। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। 0.02 व 0.32 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। मध्यानुपाती क्या होता है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ए कॉमा बी कॉमा सी सतत अनुपात में है, तो इसका मध्यानुपाती कौन होता है, बी। तो इसका केस है ए अनुपात बी बराबर, सर यहाँ प्रोपोर्शनल होता है, बी अनुपात सी। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम ए इंटू सी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, इन दोनों का गुणा आपस में बराबर होता है। तो इस हिसाब से बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा फार्मूला, ए सी। सेम एज इन दोनों का मध्यानुपाती, मध्य में मान लेते हैं क्या है, बी है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला बी स्क्वायर इक्वल टू 0.02 इंटू 0.32 मल्टीप्लाई कर दें, 32 × 64 आ जाएगा। दशमलव कितने के बाद लगेगा, 1, 2, 3, 4, 4 के बाद, ठीक है। बी इक्वल टू स्क्वायर रूट हो जाएगा इक्वल टू बी की वैल्यू, सबसे पहले आप देख लीजिए 64, 64 का होल स्क्वायर कितना होता है 8। अब डेसिमल कहाँ लगेगा, दशमलव के बाद कितने नंबर ऑफ पेयर्स हैं, दो दो के नंबर ऑफ पेयर्स कितने हैं, 1, 2, 2 हैं। तो डेसिमल कहाँ अप्लाई होगा, 2 के बाद, 0.08। दिस इज द फाइनल आंसर। तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट करेक्ट होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चिड़ियाघर में जिराफ एवं कबूतर हैं, यदि कुल 90 सिर हैं तथा जिराफ तथा 224 पैर हैं, तो कबूतरों की कुल संख्या क्या है। कुल है 90 सिर तथा 224 पैर हैं, इसका फार्मूला है 4 पैरों वाला जानवर इक्वल टू 224 कुल पैर बटे 2 माइनस सिर। कबूतर के 2 पैर होते हैं और जिराफ के 4 पैर होते हैं, तो यहां से 4 पैरों वाला जानवर आ जाएगा 224 बटे 2 माइनस 90 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 112, 2, 11 में से 9 हटाएंगे, 2, 22 जानवर कौन से हो जाएंगे, 4 पैर वाले, अर्थात जिराफ। जिराफ अगर 22 है, देखिए कुल 90 सिर हैं, 90 सिरों में क्या है, टोटल 90 जानवर हैं, एक जानवर के एक ही सिर है, हमेशा एक ही तो होता है ना, तो टोटल कितने 90। अगर 22 जानवर कैसे हैं, 4 पैरों वाले हैं, तो बताइए 2 पैरों वाले कितने हो जाएंगे, 90 माइनस 22 हो जाएगा। तो कबूतरों की संख्या कितनी हो जाएगी, नब्बे माइनस 22,
अड़सठ हो जाएगी। अड़सठ जानवर कौन से हैं? कबूतर हैं, यही हमसे पूछा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है तथा उनका मासा 12 है, तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं? तो कभी भी HCF दिया हो, अगर HCF दिया है तो हम क्या करेंगे? पहली संख्या, देखिए दो संख्याएं अगर कोई हैं तो HCF ही वो नंबर है जो कॉमन नंबर है, HCF ही वो नंबर है जो कॉमन नंबर है दोनों संख्याओं का, उसे ही हम HCF कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अगर हम पहली संख्या मान लें, पहली संख्या तो हमेशा कौन सी होगी? HCF इंटू एक्स, कोई एक वेरिएबल ले लीजिए। दूसरी संख्या मानते हैं तो HCF इंटू वाई, कोई एक आप वेरिएबल ले सकते हैं इसके साथ। तो फर्स्ट नंबर यहाँ से कितना हो जाएगा? 12x। दूसरा नंबर कितना हो जाएगा? 12y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है, तो 12x इंटू 12y बराबर 2160, तो x इंटू वाई इक्वल टू 2160 बटे 12 इंटू 12, 6 दुना 12, 6 छिंग 36, 2 दुना 4 डिवाइड करेंगे 15 आ जाएगा। x इंटू वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15, ठीक है। अब हमें ऐसे कौन से नंबर चाहिए जिनका गुणनफल कितना हो? 15 हो। तो अगर हम 1 के इसके ऐसे फैक्टर करें, 1 के प्लेस पे 1 रख दें इनटू 15 कर दें, तो फर्स्ट पेयर संख्या का क्या मिल जाएगा? 1 कॉमा एक्स और वाई के फॉर्म में 15 हो जाएगा, ठीक है। तो एक पेयर पॉसिबल है, ये फर्स्ट पेयर हो गया। सेकंड पेयर में क्या होगा? मान लेते हैं यहाँ 3 है, यहाँ 5, 3 × 5 = 15, ये भी आ रहा है। तो ऐसे दो संख्याएं हमें मिल रही हैं, 3, 15। तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं? यहाँ पे वही नंबर लेना है, यहाँ पे वही नंबर लेना है जो को प्राइम नंबर हूँ। ऐसी संख्याएं जिनका तो ये 3 और 5, सॉरी यहाँ पे एक्स और वाई के ऐसे मान रखने हैं जिनका दोनों का एच सी एफ 1 हो। ये एक ऐसा पेयर है जिसका एच सी एफ 1 है, ये एक ऐसा पेयर है जिसका एच सी एफ 1 है। तो ये कितने पेयर बनाए जा सकते हैं? 2 पेयर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का योगफल 150 है तथा उनका मासा HCF 15 है, तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े बनाना संभव है? सेम क्वेश्चन है अभी करवाया आपको। तो पहली संख्या यहाँ से क्या हो जाएगी? 15x मान लिया, दूसरी संख्या 15y मान लिया है, क्योंकि HCF कितना? 15 दिया गया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दो संख्याओं का योगफल 150 है, तो दोनों संख्याओं को हम ऐड कर लेते हैं, 15x प्लस 15y इक्वल टू 150 है, सॉरी यहाँ पे, तो 15 कॉमन ले लीजिए, x प्लस y बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे? 150, तो x प्लस y बराबर 10 आ जाएगा, 15 से डिवाइड कर देंगे 10 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रख सकते हैं? 1 + 9 रख सकते हैं, कितना? 10 हो जाएगा। और क्या रख सकते हैं? 2 + 8 रख सकते हैं, 10 हो जाएगा। 3 + 7 रख सकते हैं, ये भी 10 हो जाएगा। 4 + 6 रख सकते हैं, ये भी कितना? 10 हो जाएगा। और 5 + 5 रख सकते हैं, ये भी 10 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से कौन सा पेयर संभव है, ठीक है, कौन सा पेयर संभव है बनाना? आपको बताते हैं, ऐसे दो नंबर जिनका मासा
वन हो, नौ और एक का मासा वन, ये करेक्ट है। दो और आठ का एच सी एफ टू, ये इनकरेक्ट है, होना कितना चाहिए वन। सात और तीन का एच सी एफ वन, ये भी करेक्ट है। फोर और सिक्स का एच सी एफ टू होता है, ये इनकरेक्ट है। पाँच और पाँच का एच सी एफ फाइव होता है, ये भी इनकरेक्ट है। तो ऐसी कुल संख्याएं तो बनाना कितना पाँच था, लेकिन वास्तव में कौन से नंबर्स होने चाहिए, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा, को प्राइम नंबर कौन सा होता है, ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा जिसका एच सी एफ वन हो, उसे हम को प्राइम नंबर कहते हैं। तो ऐसे कौन से जोड़े बना, कितने जोड़े बनाना संभव है, एक और दो, दो जोड़े बनाना संभव है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 16 बटे 25 भाग है, वर्षों की संख्या ब्याज दर के बराबर है, तो वर्षों की संख्या बताइए। वर्षों की संख्या अगर ब्याज दर के बराबर है तो इसका एक शॉर्ट मेथड है, 16 बटे 25 इंटू 100। वर्षों की संख्या अगर ब्याज दर के बराबर है तो इसका अंडर रूट ले लेंगे, चार चुको 16, चार सॉरी ये यहाँ पे नहीं कटेगा, 25 से काट दीजिए, 25 एक कम 25, 25 चुको 100, अंडर रूट 16 चुको 64 आ जाएगा, बराबर 8% आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 25,000 रुपये का दो वर्ष का सीआई तथा एसआई का अंतर 400 रुपये हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। दो वर्ष का सीआई तथा एसआई का अंतर का फार्मूला होता है अंतर बराबर पी इंटू आर अपॉन 100 टू द पावर 2। दो वर्ष के लिए ये सिर्फ दो वर्ष के लिए है, सीआई माइनस एसआई बराबर होता है पी इंटू आर अपॉन 100 टू द पावर 2। अंतर कितना दे रखा है 400 रुपये है, इक्वल टू पी इंटू आर अपॉन 100, पी की वैल्यू दे रखा है हमें कितनी है 25,000 रुपये इंटू आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 400 इक्वल टू 25,000 इंटू आर स्क्वायर बाई 100 इंटू 100, एक दो तीन जीरो यहाँ से आप काट दीजिए, ठीक है, पाँच से आप काट सकते हैं, पाँच बचे 25, पाँच दूना 10, पाँच से काट दीजिए इधर, पाँच अठे 40 और जीरो हो जाएगा, सॉरी ये क्वेश्चन में यहाँ पे 2500 रुपये है, 2500 रुपये है, तो आप यहाँ पे 2500 रखिए, चार सौ इक्वल टू 2500 इंटू आर स्क्वायर अपॉन 100 इंटू 100, 100 कैंसिल कर दीजिए, 25 चुको 100, चार से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, चार चुको 1600 बराबर आ जाएगा आर स्क्वायर के, तो स्क्वायर रूट 1600 इक्वल टू आर, चार चुको 16, आर का रेट हो जाएगा ये टोटल 40%। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी धन पर एक निश्चित दर से दो वर्ष का सीआई 400 रुपये तथा एसआई 420 रुपये है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करनी है। किसी धन का एक निश्चित दर से दो वर्ष का एसआई, दो वर्ष का एसआई है तो पहले साल का एसआई मान लेते हैं 200 रुपये है, तो दूसरे साल का एसआई भी कितना होगा 200 रुपये,
अब हमको टोटल सीआई कितना 420 रुपए मिल रहा है, तो कितना ज़्यादा है, दोनों में का अंतर कितना है, 20 रुपए है। तो यहाँ पे आप 20 लिख लीजिए फर्स्ट ईयर का, अब ये सीआई बन गया और ये सेकेंड ईयर का क्या बन गया, सीआई बन गया। 200 200 जोड़ेंगे 400, क्या आ जाएगा एसआई। 200 प्लस 200, देखिए फर्स्ट ईयर में चाहे वो सीआई हो या एसआई हो दोनों सेम होते हैं क्योंकि हमेशा मूलधन पे ही ब्याज मिलता है। सेकेंड ईयर में ब्याज पर ब्याज 200 रुपये पर कितना, 20 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा, तो ये क्या बन गया सीआई। अब 20 कितना परसेंट है 200 का, 20 × 100/200 सॉल्व कर लीजिए 10% आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 से 25 तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन यूपीपी 2013 में पूछा गया है, तो इसका औसत निकालना है। कोई भी सीरीज अगर एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी में है, तो उसका औसत बराबर होता है कोई भी श्रेणी, अब 1 से 25 तक क्या होगा, आखिरी में 25, औसत निकालना है। अगर कोई श्रेणी समांतर श्रेणी में, ये श्रेणी कैसी है समांतर श्रेणी, तो औसत बराबर होता है पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे दो। 25 और एक 26 हो जाएगा, 26/2 = 13 आ जाएगा, तो औसत कितना 13 है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये आज हमारा पहला मॉक टेस्ट है यूपीपी के लिए। यदि आपको मेरा ये सीरीज पसंद आए मॉक टेस्ट की, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए फ्री में, इसका कोई पैसा नहीं है। अब यूपीपी के एग्ज़ाम की बहुत ज़्यादा डेट दूर नहीं है, तो आप इसको ज्वाइन करके अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं। ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको लेटेस्ट मॉक टेस्ट मिलते रहेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आप चाहते हैं कि मैं लगातार आपके लिए फ्री वीडियोज बनाता रहूं, तो सबसे पहले मेरे चैनल स्कॉलर्स एकेडमी मैथ्स को सब्सक्राइब कीजिए तथा उसके बाद बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे लेटेस्ट वीडियोज आपको मिलती रहेंगी। और लाइक तथा शेयर भी कीजिए, जिससे हम मोटिवेट होते रहें और आपके लिए नए नए वीडियोज़ बनाते रहें। थैंक यू।